राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी के ढाबा में। दोस्तों आज हम आप लोग को बनाना बताएंगे, बहुत लोग तो उसको ठेकुआ बोलते हैं, हम लोग खस्ता खजूर बोलते हैं। और इसका सेप ऐसा हम दिए हैं कि इसको आप खस्ता बिस्कुट ही बोल सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप इसको बोल सकते हैं। खाने में टेस्टी होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा बात है कि इसको 8-10 दिन तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। हम लोग यहाँ छठ पूजा में भी ये बनाया जाता है। इसमें जो हम चीनी डाले हैं उसको चीनी को घोल के थोड़ा डाला जाता है, जैसे कि चीनी एक कटोरी दिए ना, इसका दो प्रोसेस है। एक कटोरी चीनी दिए, उसमें 2-3 चम्मच पानी डाल के 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा चीनी को आधा घोला दे और तब डाला जाता है, तो और भी टेस्टी बनता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, आपका जैसा दिल चाहे वैसा बना सकते हैं, क्योंकि खस्ता खजूर ठेकुआ आपका है। तो चलिए शुरू करते हैं खस्ता खजूर बनाना। खस्ता बिस्कुट बनाने के लिए हम 1/2 किलो मैदा लिए हैं। यहाँ पे 300 से 400 ग्राम के बीच में हम आटा लिए हैं। थोड़ा कम ज़्यादा किसी भी सामान को आप डाल सकते हैं। यहीं पे हम 1/2 किलो करीब सूजी लिए हैं। ये बारीक सूजी है, मोटा बारीक सूजी कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून नारियल का बुरादा है, बाजार में आसानी से मिल जाता है, नहीं है तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चीनी हम लिए हैं 200 ग्राम। आप अपने मीठे के हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिए हैं देसी घी, 50 से 100 ग्राम के बीच में आप देसी घी इसमें डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम पहले मिलाएंगे। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। इसमें हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आप थोड़ा मैदा कम आटा ज़्यादा, आटा कम मैदा ज़्यादा कर सकते हैं। और जितना हम आपको क्वांटिटी बताए हैं इसमें 50-100 ग्राम आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। घी ध्यान रखें, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो बढ़िया से बिस्कुट सॉफ्ट बनेगा। तो इसको मिक्स कर देते हैं। इसको हम बढ़िया से मिलाएंगे, नीचे कहीं मैदा ना छूट जाए, आटा ना छूट जाए। और बढ़िया से जब मिलाएंगे ना तो मोयन बराबर हो जाएगा। तो आप इसको हाथों में बांध के देखेंगे तो ये देखिए मोयन बढ़िया से हो गया है। अगर आपको लगे तो 1/2 चम्मच और भी डाल सकते हैं आप, लेकिन 50 से 100 ग्राम के बीच में आप डालेंगे तो ऐसा ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के इसका डो टाइट डो बनाएंगे, क्योंकि इसमें चीनी है ना तो बाद में मॉइस्चर रिलीज कर देता है, मतलब मॉइस्चर आने लगता है, तो इस वजह से हम इसको टाइट गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इतना टाइट हम नहीं गूंदें ताकि इसमें सूजी भी है तो थोड़ा सा कम ही टाइट होना चाहिए। वो टाइट कितना कर रहे हैं हम आपको दिखा देंगे, सूजी भी तो पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए हम इस तरह का इसको गूंद रखे हैं, देख रहे हैं ना, एकदम टाइट ही है ये देखिए इस तरह से। और इसको ज़्यादा देर रेस्ट पे नहीं रखना है, 5 से 10 मिनट। तो इसको ढक कर रख देते हैं और जब तक चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी दे देते हैं। चूल्हा जला दिए हैं, अब कढ़ाई रख देते हैं और इसी में डाल देंगे रिफाइन ऑयल। आप घी में भी इसको बना सकते हैं, डालडा में भी बना सकते हैं। इसको रेस्ट पर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और इस तरह से बड़ा बड़ा एक लोई बना ले और थोड़ा सा इसको मैदा में इस तरह से, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना उसके लिए, इस तरह से कर दें। इस तरह से चकला पर रखेंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको बेलेंगे।
इस तरह से ज्यादा फट रहा हो तो उंगलियों से इस तरह से घुमा घुमा के इसको बंद कर दे इस तरह से, और फिर इसको भेज दे। थोड़ा सा पतला थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं इसको, देख रहे हैं इस तरह का हमें मोटा रखना है। तो यहाँ पे हमें एक कुकी कटर दिए हैं, आप चाहे तो गिलास से कटोरी से किसी चीज से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखते जाएंगे इस तरह से और इसको दबा के काट देंगे, गिलास से भी काट सकते हैं आप, ये देखिए इस तरह से। इसको जितना ज़्यादा कट जाए, जितना ज़्यादा पीस आपका निकल जाए उतना ही बढ़िया है। तो इस तरह से देखिए छः छः पीस कट रहा है, इसको हम निकाल देते हैं, बढ़िया से इसको दबा दें और उसके बाद से निकाल के हम एक प्लेट में रखते जाएंगे, एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम निकाल निकाल के रखते जाएंगे, थोड़ा बढ़िया से दबा देंगे ना कुकी कटर से तो एकदम फिनिश पीस निकल जाता है। इसको सारा काम उठा देंगे और फिर दोबारा हम थोड़ा सा और जो गूंद रखे हैं डो उसमें से मिला देंगे, और मिला के फिर इसको परथन लगा के फिर इसको भेजेंगे। तो इसी तरह हम बना देंगे, आपकी मर्जी है थोड़ा मोटा बनाए या पतला बनाए। इस पे चाहे तो आप कोई डिजाइन भी डाल सकते हैं, फोक से भी दबा सकते हैं, और इस तरह से चाहे ढक्कन लेके और यहाँ पे कट कट का निशान डाल दे ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से डिजाइन भी डाल सकते हैं आप, आपका जो मर्जी करे इस पे डिजाइन आप डाल सकते हैं। तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो हम डालना शुरू करते हैं इसको। तो इसे एक मिनट के बाद हम आराम से पलट देंगे। इस तरह से इसको लो टू मीडियम आंच पे ही हमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन करना है। इसी तरह में से उलट पलट के 10-12 मिनट तक पकाएंगे इसमें, जब तक दोबारा बनाना शुरू करते हैं। आंच को हमें मीडियम ही रखना है और इस तरह से पलट देंगे पलट देंगे, दो तीन बार पलटेंगे ज्यादा नहीं। तो पहला चक्कर हमारा बन के तैयार हो गया है, तो इसको निकाल देते हैं। इसी तरह हम और भी बना देते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा टर्न भी तैयार हो गया है, इसको भी निकाल देते हैं। कुछ को हम इस तरह का डिजाइन देके बनाए हैं, आपको जिस तरह का डिजाइन मर्जी हो उस तरह बनाए। इसी तरह से हम सारा खजूर बना देंगे।
हमारा खस्ता खजूर बन के सारा तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा खस्ता बिस्कुट बन के तैयार हो गया है। तो यह एक आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं और खा के भी दिखा रहे हैं, ये कितना खस्ता हुआ है, देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले आप टेस्ट कर दीजिए। बहुत सॉफ्ट बना है, बाहर से तो एकदम कुरकुरा है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो ये आपको हमारा बनाया हुआ खस्ता खजूर ठेकुआ बिस्कुट का रेसिपी कैसा लगा? ये रेसिपी मतलब आप ना कहीं आ जा रहे हो ना, तो 4-5 दिन का जर्नी हो उसमें ही बना के लेके जा सकते हैं। बहुत ही टिकने वाला है और टेस्टी भी लगेगा। तो ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर बढ़िया लगा हो तो जरूर इसको घर में बनाइएगा एक बार, और हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, और हमें कौन कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। आप लोगों का पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।